बाबा जी ये बताइए कि यहाँ जो माघ मेला कुंभ मेला लगता है, हाँ। इन दोनों की क्या विशेषता है? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? डेढ़ महीना से। हाँ। तो माघ मेला में क्या होता है यहाँ? ये जो यहाँ पे सब बोलते हैं कल्पवासी, तो ये कल्पवासी का मीनिंग क्या है? क्या है कल्प? तो यहाँ पे कब से स्नान स्टार्ट है और कब तक रहेगी? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं ब्रज किशोर, आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवर ब्रज। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में, और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ये वास्तव में कुंभ मेला लगा है या माघ मेला है। तो क्यों कुंभ मेला, कब लगता है, कैसे लगता है, यहाँ के चलिए कोई भी साधु है, संत है, उनसे मिलते हैं और इसके बारे में पूरा फुल अपडेट देते हैं और आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं कि कौन से तिथि पे कौन कौन स्नान है, कब तक ये मेला लगने वाली है, ये सब पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहे हमारे चैनल पर, चलिए बताते हैं। देखिए, ये देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखाया था अगले वीडियो में, ये जो देख रहे हैं लोहे का पटरा, ये सब मतलब कि पूरा जितने भी घाट हैं वो सब पे बिछाया जाता है जिससे कि गाड़ियों का आवागमन हो सके। ओके, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से आपको टेंट दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं टेंट सामने, और इधर भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको दृश्य देखने को मिलेगी टेंट, क्योंकि भैया यही है तंबू नगरी प्रयागराज। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और यहाँ पे देखिए शौचालय की भी व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है, बस मेला लगने भर की देरी है। और यहाँ पे देखिए पुलिस की बैरिकेटिंग के लिए यहाँ पे मतलब पूरा व्यवस्था यहाँ पे टंच है। और ये देखिए पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे बनाया गया है, और इधर भी देखिए पुलिस स्टेशन भी है। तो ऐसे पुलिस स्टेशन यहाँ पे लगभग 45 बनाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य शिविर भी है, मतलब कि अगर मेले में कुछ भी होती है दुर्घटना या कुछ भी, तो यहाँ पे सब व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए एक लाइन से यहाँ पे एम्बुलेंस भी लगाया गया है, देख सकते हैं, मतलब कि कुछ भी दुर्घटना होगी तो तुरंत यहाँ पे आपको समाधान मिल जाएगा। और इधर देखिए, इधर का भी आप दृश्य देख सकते हैं कैसा है। ओके, और ये गजब पे देख सकते हैं दोस्तों टेंट के लिए, ये देखिए टेंट लगने के लिए यहाँ पे सामग्री जा रही है। यहाँ पे अभी ये सब घाट पे जाएगा और वहाँ पे भी बनेगा, जो जो मतलब कि आवंटन किए भूमि उन लोगों को ये अपना जाके बनाएंगे। और ये देख सकते हैं बड़ा सा यहाँ पर बैनर बोर्ड लगा है जो कि दिखाता है कि संगम किधर है, प्रयाग घाट किधर है, और बड़े हनुमान जी किधर लेते हुए। ओके, तो यहाँ से मैं ये मेन रास्ता हो गया संगम की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत से दुकानें आपको देखने को मिल जाएगी, अभी तो कुछ नहीं, अभी चल के मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बहुत चीज़ें हैं इस मेले में। यहाँ पे देख सकते हैं कुंभ नगरी प्रयाग में आपका स्वागत है। और ये रहा क्राउड, स्टार्ट हो गया यहीं से ही, देख सकते हैं आप, क्योंकि भैया अभी मेला स्टार्ट भी नहीं हुआ है और अभी से ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। ओके, अब जब मेला में जाएंगे तो समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होगी। तो देखते हैं किधर जाने का प्लान बनता है, फिर आपको बताते हैं। हाँ देखिए, ये फूल आपको दिखाई दे रहा है, जो भी भूमि आवंटन किए हैं वो सब अपने आश्रम में ये सब देखिए लगाएंगे फूल। और इधर देखिए यहाँ पे भी आपको माघ मेला थाना कोतवाली, और यहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम का भी नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत से आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन देखने को मिल जाएगी, फायर ब्रिगेड भी है, क्योंकि अगली बार यहाँ पे मेला में क्या हुआ था, आग लग गई थी जिसकी वजह से। और यहाँ पे देखिए चिकित्सालय का भी व्यवस्था किया गया है, यानी कि कुछ भी हो या इमरजेंसी कुछ भी घटनाएं होती है घटित, तो पूरी इंतजाम यहाँ पे किया गया है उसके लिए। ओके, तो साथियों अभी जिस स्थान पे है ये काली पांटून पुल नंबर 3, यानी कि ऐसा पुल आपको यहाँ पे 5 देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए एक बड़ा सा गेट यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि गेट पे लिखा रहेगा माघ मेला में आपका स्वागत है। और ये जो आप पुल आपको देख रहे हैं इसकी भार क्षमता 5 टन है, यानी कि जो भी यहाँ पे पीपा पुल बनाया गया है सब पीपा पुल की संख्या जो वजन क्षमता है जो 5 टन है। और ये देखिए
इसकी ऐसे पुल जो है आपको पांच यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एक पीपा पुल, दो हो गया, तीन हो गया, ऐसे करके पांच यहाँ पे बनाया गया है। एक देखिए वहाँ पे भी बनाया गया है। ओके, कुंभ मेला जब लगता है तो यहाँ पे ऐसे पुलों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए अभी इस पर पेंट किया जा रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए पेंट है, देख रहे हैं ना, तो ऐसे मतलब कि पूरी अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक भाई साहब है, यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। तो कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? डेढ़ महीना से। अच्छा, मतलब ऐसा पुल कितना यहाँ पे बनाया गया है? पाँच है। और मतलब कि इससे पहले भी अगर कुंभ मेला में और ज़्यादा बन जाती है? 24 पुल 25। अच्छा, तो पाँचों पुल तैयार हैं। और ये कहाँ छोड़ेगी ये पुल? उस पार भी ऐसे ही, मतलब कि वहाँ पे व्यवस्था है। ठीक, आप कहाँ से भैया? हम यहीं के हैं, झूसी के। अच्छा, झूसी के हैं। ठीक है भैया, करिए पेंट। कितना दिन में पूरा हो जाएगा ये पेंट कर लेंगे? दो दिन में हो जाएगा पेंट। अच्छा ठीक है भैया, करिए। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे देखिए पेंट कर रहे थे, गजब। ऐसे मतलब कि बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पे काम स्टार्ट है। ये देखिए इस पुल की भी देख सकते हैं कितनी आवागमन है इस पुल पर, देख ही रहे हैं साथियों। आ चुके हैं पीपा पुल के जस्ट इस पार, ये देख सकते हैं इधर का कुछ इस प्रकार का सीन है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, ये देखिए। ओके, और इधर देखिए अभी जो पटरी है ये वाला दिखाई दे रहा है, जो चादर है लोहे का, वहाँ पे बिछाया जा रहा है। ओके, और इधर का देखिए, इधर भी वही काम किया जा रहा है, मतलब कि जोरों शोर से काम दम यहाँ पे स्टार्ट है। और इधर देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये है टॉयलेट रूम, यानी कि ये देखिए। तो ऐसे बहुत से यहाँ पर बनाए गए हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे कोई मतलब कि असुविधा ना हो। ओके, तो चलिए आगे का और भी सीन दिखाते हैं और आपको बताते हैं। और यही है दोस्तों तंबू नगरी प्रयागराज, और प्रयागराज के बारे में भी बताऊंगा। और ये मेला क्यों लगता है हर साल, क्या वाकई में कुंभ ही है या माघ मेला है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए भी शौचालय यहाँ पर बना दिया गया है। और इधर देखिए आनंदमय ओम शांतिमय श्री विश्व शांति आश्रम, ऐसे आश्रम यहाँ पे देखिए। पानी के लिए भी सीवर लाइन यहाँ पे बिछा दिया गया है, ये बिजली का भी देख सकते हैं तार लगा दिया गया है, मतलब कि पूरा सब कुछ यहाँ पे चमका दिया गया है। तो बस इंतज़ार है मेला लगने की और स्नान की, ये देखिए। तो ये सब ऐसे बहुत से यहाँ पे आश्रम है बनाया गया, और चलिए धीरे धीरे सब अपडेट आपको दिखा ही रहा हूँ और बता ही रहा हूँ। ओके, बने रहिए हमारे चैनल पर। ये देखिए अभी भी काम जोरों शोरों से यहाँ पे चालू है। तो साथियों अभी हम हैं त्रिवेणी मार्ग में, ये देख सकते हैं इधर का कुछ इस प्रकार का सीन है और इधर का कुछ इस प्रकार का सीन है। ओके, और दोस्तों ये सब जितने भी आप टेंट देख रहे हैं इधर आपको अगल बगल में, ओके, इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। यहाँ पर देखिए पहले यूरिन एक टॉयलेट यहाँ पर बनाया गया, ये सब देखिए जितने भी टेंट फेंट आप दिखाई दे रहा है ये सब के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ जो भूमि आपको दिखाई दे रहा है, ये सब ज़मीन आपको देख रहे हैं, ये सब ज़मीन को पहले भूमि आवंटन किया जाता है, यानी कि जो भी सरकार होता है, सरकार से जो भी साधु होते हैं संत होते हैं सरकार से भूमि लेते हैं, उसके बाद अपना जो भी अपना आश्रम होता है बनाते हैं, और उस आश्रम पर जो भी उनके संत के जो भी शिष्य होते हैं तो वो लोग आते हैं इस मेले में, और उनसे मतलब कि जैसे कि बहुत से कार्यक्रम होता है, जैसे भजन होता है, कीर्तन होता है, और गुरु मंत्र होता है, मतलब बहुत कुछ सीखने को, जैसे दान होता है, ये सब यहाँ पे पूरा महीने भर चलता है। तो यही यहाँ का सीन है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खाली आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं लाइन खींचा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन खींचा हुआ है, फिर इधर लाइन खींचा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे भी लोग अपना भूमि अपना आवंटन कर लिए हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो अपना टेंट लगाएंगे। और इधर देखिए यहाँ पे समतलकरण किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर से, अभी तो ट्रैक्टर फंस गया है खुद। ओके, और इधर देखिए, तो मतलब कुछ इस प्रकार का सीन है। ये लास्ट पीपा पुल है जिसकी सहायता से अगर संगम जाना है तो उधर संगम जा सकते हैं, वो संगम का उधर क्षेत्र है। ओके, तो इधर देखिए इस प्रकार का सीन है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं इधर यही है मेन संगम, ये गंगा जी है और उधर से यमुना जी आते हैं और वहीं पे संगम होता है, दोनों का मिलान होता है। और इसके बारे में सरस्वती जी कहाँ है? हाँ है, उधर से आई है। कहाँ है? उधर में है संगम के पास। अच्छा, तो इधर से गंगा जी गए, इधर से यमुना जी आई, इससे सरस्वती जी आकर के मिली है। अच्छा, संगम हुआ है। अच्छा,
तो साथियों यहाँ पे तीनों नदियों का संगम हुआ है, तो उसका मैं वीडियो दिखाया हूँ, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों जिस पल का था आपको इंतज़ार, तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे माघ मेला और कुंभ मेला क्यों लगते हैं, इसके बारे में आपके जो भी दिमाग में जो भी क्वेश्चन है वो सब मैं दूर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक बाबा जी मिल गए हैं, तो अपना परिचय दीजिए बाबा जी, कहाँ से हैं आप? हम तो निमिशान सीतापुर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अयोध्या दास। अच्छा, तो बाबा जी ये बताइए कि यहाँ जो माघ मेला कुंभ मेला लगता है, हाँ, इन दोनों की क्या विशेषता है? माघ मेला हर महीने में हर साल में लगती है, कुंभ है 12 बरस पर लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी जो लगा है कौन सा मेला लगा? माघ मेला है। माघ मेला है, हाँ। तो माघ मेला में क्या होता है यहाँ पे लोग? यही स्नान होता है। अच्छा, खालसा लगाते हैं, साधु संत आते हैं। अच्छा, जगह जगह से, हाँ। हर जगह के, फिर मौनी अमावस्या तक कराएंगे, हाँ। बाकी जो रहेंगे सरस्वती पूजा, उसके बाद चल देंगे, अब कल्पवासी रहेंगे तो शिवरात्रि के बाद जाएंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पे सब बोलते हैं कल्पवासी, तो कल्पवासी का मीनिंग क्या है? क्या है जैसे आप ही हैं, आप कब मन किया कल्पवास करने का, आप आए कोई खालसा में ले लिए। अच्छा, खालसा मतलब आश्रम, हाँ, हाँ, उसी में आप रहे, एक महीना रहे, एक महीने बाद आप जाइए अपना खाइए पीजिए जाइए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद स्नान करिए, जो भी पूजा पाठ करना है करिए, हाँ, एक महीने तक, हाँ, और उसके बाद घर, हाँ, वापस चले, हाँ, जाइए। अच्छा, तो बाबा जी एक और क्वेश्चन है हमका मेरा कि मतलब कि यहाँ जो भी जो मतलब कि जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला लगता है, तो इस तीर्थ का, पावन तीर्थ का क्या महत्व है यहाँ पे? हम लोग का 3 स्नान होती है शाही। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कब कब से स्नान स्टार्ट है और कब तक रहेगी? यहाँ तो अभी रहेगी बसंत पंचमी तक, साधु संत रहेंगे, उसके बाद शिवरात्रि तक कल्पवासी रहेंगे। अच्छा, तो 6 तारीख से स्नान स्टार्ट है और, हाँ, मतलब कि 18 फरवरी तक ये मतलब कि रहेगी, करीब, हाँ, 1.5 महीना, 26 जनवरी तक। अच्छा, 26 जनवरी तक ये, हाँ, मतलब बसंत पंचमी 26 जनवरी को बस, हाँ, उसके बाद कल्पवास रहेंगे, कल्पवासी 18 फरवरी तक रहेंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब 26 जनवरी तक सब यहाँ पे आएंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ के जो कल्पवासी है वो यहाँ पे रहते हैं। ओके, और ये मतलब कि पुराने में क्या महत्व है इस जगह का जो कि प्रयाग का? ये यहाँ जो संगम है तीनों नदी का, अच्छा, तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। अच्छा अच्छा, और इसके क्या महत्व है, जैसे कि यहाँ पे क्या अमृत गिला था या मतलब, हाँ, क्या कहानी इसके बारे में? समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत निकली थी। अच्छा, अमृत लेकर के राक्षस से देवता में लड़ाई हुई, हाँ, तो देवता लोग इधर विष्णु भगवान मौनी का रूप धर करके देवता को इधर लेकर चले, राक्षस को मदिरा दिए, इधर ला कर के अमृत, तो वहाँ से जब राक्षस भी चला, जो राहु केतु कहता है वही राहु केतु अमृत पी लिया था, उसको गला तक आई काट दिया विष्णु भगवान, तो हाँ राहु केतु बन गए, हाँ, धर उसका राहु हो गया, शरीर मुंडी उसका केतु। अच्छा, हो गई। अच्छा, तो बाबा आप मतलब कि यहाँ कब से आए हुए हैं? हम आए हैं 21 दिसंबर। 21 दिसंबर से कब तक यहाँ रुकना है आपको? 23 जनवरी। 23 जनवरी तक, मतलब 1 महीना तक यहाँ, हाँ, 1 महीना 3 दिन। अच्छा, 1 महीना तक यहाँ घूमेंगे, हाँ, रहेंगे, हाँ। और इसके बाद कहाँ जाने का प्लान है आपका? इसके बाद भिंड मुरैना जाएंगे। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका, यहाँ पे आप आए और हमारे दर्शकों को जानकारी दिए। तो चलिए दोस्तों, और जिस मेले से जुड़ी और अपडेट देते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम संगम घाट पे आ चुका हूँ और यहीं पे वो जो भी आते हैं श्रद्धालु लोग यहीं पे स्नान करते हैं, यही संगम है। इसका वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि मैं नाव के जरिए मैं वहाँ पे गया था और वहीं पे जाने के बाद स्नान किया था और दिखाया था वहाँ पे कि गंगा जी और यमुना जी और सरस्वती जी कैसे एक साथ मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए। और ये देखिए यहाँ पे संगम है, अभी जब स्नान स्टार्ट होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और ये देख सकते हैं बालू भर के बोरे में यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि जो भी स्नान करके आए तो उनको पैर में कीचड़ ना लगे या फिसलन ना हो, इसके लिए इसकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे देखते हैं खरपतवार को यहाँ पे बिछा दिया गया, जैसा कि मैं अगली वीडियो में दिखाया था कि खरपतवार बिछाने के लिए अभी बाकी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे बहुत से अनगिनत आपको स्नान जो कपड़ा चेंज करने वाला है, स्नान करने के बाद लेडीज़ लोगों के लिए, महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और इस पर पुलिस कंट्रोल का भी नंबर दिया गया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों इससे जुड़ी और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि इस मेले में क्या क्या व्यवस्था है, कौन सा झूला लगा है, क्या क्या यहाँ पर बिकता है, तो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन चेक आउट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।